हेलो वेलकम बैक। फिर से आपका सवाल है कि हाइड्रोसेल ऑपरेशन कराने के कितने दिन के बाद आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बिकॉज क्रिकेट में जहां दौड़ना भागना भी है और साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी भी वहां पर बहुत जरूरी है, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है तो आप उसके बाद आराम से इस गेम को खेल सकते हो, किसी तरीके की समस्या भी नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस गेम को खेलने के लिए सोच रहे हैं तो उसको आपको 1.5 महीने के बाद ही सोचने का प्लान करना है, बिकॉज 1.5 महीने तक दोबारा सूजन आने के चांसेस रहते हैं, दर्द भी थोड़ा बहुत रहता है और जहां पर टाके लगे हैं उससे लेकर थोड़ा ऊपर तक जो हमारा इंग्वाइनल एरिया होता है वहां तक भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो इसलिए किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आगे ना आए इसलिए आपको 1.5 महीने तक का टाइम आपको अपने आपको फ्री देना चाहिए। बाकी नॉर्मल घर के काम आप सारे कर सकते हैं, जो घर के बाहर के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं। बाइक चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप खुद ना चलाएं, बैठ के चले जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आराम से जाएं। अब खास तौर पर जो आपका क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है, तो देखिए क्रिकेट में जो बॉल लगने से जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत बड़ी समस्याएं आपके लिए खड़ी कर देती है। तो उसके लिए जॉक स्ट्रैप आती हैं और जॉक स्ट्रैप में आगे प्लास्टिक का कप लगा होता है, ये कप के साथ में आती हैं, तो ये कुछ इस तरीके की होती हैं। ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में और अलग अलग ऑनलाइन साइट्स पर ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जहां आपको बेटर लगे इस तरीके का जॉक स्ट्रैप वो आप खरीदिए, उसको पहन के फिर आप जब चाहें तब उसके बाद 1.5 महीने के बाद अपना गेम खेल सकते हैं। लेकिन ये इसलिए जरूरी है कि टेस्टिकल की चोट जल्दी सही नहीं होती और फिर अगर वो लंबे समय तक चली तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स भी आगे आ चल के खड़ी हो सकती हैं। तो उन सबसे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छी जॉक स्ट्रैप खरीदी जाए जो कि विद प्रोटेक्शन हो, जिससे किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वो भी इसी तरीके की जॉक स्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी तरीके की चोट ना लगे। तो अगर आपका प्लान गेम खेलने में सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस क्रिकेट पर है तो आपको खास तौर पर इसको जरूर खरीदना चाहिए, जिससे कि ये आपको पूरी सेफ्टी दे। दूसरी बात है कि बहुत सारी केयर की इसमें जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अनमैरिड हैं। तो अब अनमैरिड लोगों की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फैक्शन की हो, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की हो, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना रखे हैं, उनकी सारी जानकारी मैंने रखी है कि अगर आपको कुछ करना है तो किस तरीके से करना है, रिलेशन बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, या फिर आपको कौन सा अंडरगारमेंट पहनना चाहिए नॉर्मल लाइफ में, अगर आप गेम नहीं खेल रहे हो तो आपके लिए कौन सा अंडरगारमेंट परफेक्ट है, और इससे जुड़े दूसरे सवाल भी। तो इन सब की जानकारी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएगी, उसको देखकर आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसके उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल रहता है तो जरूर कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर आपको यहाँ पर आके अच्छा लगा तो अपना फीडबैक लाइक बटन दबा के जरूर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नेटवर्क के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।